ब्यूटीफुल लाइफ ओनली ऑन डोनेटिंग संस्था के बैनर तले युवाओं की एक टोली लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक कर रही है। संस्था के द्वारा विभिन्न अवसरों पर रक्तदान करने की परंपरा के तहत कुमार गौरव श्रीवास्तव के जन्मदिन के अवसर पर एक दर्जन युवाओं ने मंगलवार को रक्त का महादान किया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए गौरव ने बताया कि रक्तदान करने की यह परंपरा संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें हर शुभ अवसर पर रक्त का महादान किया जाता है। उन्होंने कहा कि वह लोगों से आग्रह करते हैं कि नियमित रूप से रक्त का महादान करें। साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं, कम से कम 3 या 2 बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। और मैं सभी युवाओं को प्रेरित करता हूं कि रक्तदान जरूर करना चाहिए, और साल में आप 4 बार कर सकते हैं। अगर 4 बार नहीं कर पाएँ तो कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार करिए, और अपने आसपास के सभी युवाओं को बड़ों को प्रेरित करिए कि आकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है। आप रेगुलर करते हैं? जी, मैं रेगुलर करता हूँ। कमजोरी वगैरह कभी कोई कमजोरी नहीं होगा। अगर आपको अगर कमजोरी लगता भी है तो आप डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं, लेकिन कमजोरी होता नहीं है। आपके साथ कभी इस तरह की? जी, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा नाम कुमार गौरव हुआ, मैं बक्सर का निवासी हूँ, और मेरा आज जन्मदिन भी है। उस अवसर पर मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स आए हुए हैं यहाँ पे, और सब ने रक्तदान किया है। और ये हमने परंपरा स्टार्ट किया है कि जन्मदिन या कोई ऐसा अवसर हो जो आप मनाना चाहते हो तो रक्तदान के थ्रू आप मना सकते हैं। संस्था के संयोजक तथा अब तक 80 बार से ज़्यादा बार रक्तदान कर चुके व राज्य स्तर पर सम्मानित रक्तदाता प्रियेश कुमार ने बताया कि शुभारंभ नई सोच के तहत लोगों को यह प्रेरित किया जा रहा है कि वह जीवन के विभिन्न सुअवसरों पर रक्त का महादान करें। आज हम लोगों ने एक नया थीम पर बेसिस पर स्टार्ट किया रक्तदान के लिए शुभारंभ, नई सोच नई परंपरा का, जिसपे हम लोगों ने यही फोकस किया है कि किसी भी ओकेजन पर, बर्थडे या कोई भी गुड ओकेजन हो, हमारे मेंबर के लोग हों, ग्रुप के लोग हों, ट्राई करेंगे कि रक्तदान करके ही उसको सेलिब्रेट करें, जिससे कि अपने साथ साथ किसी और की खुशियाँ हम दे सकें। हम लोग का एकमात्र थीम है मौका दीजिए अपने खून को किसी और के रगों में बहाने का। ये लाजवाब तरीका है एक साथ कई जिस्मों में जिंदा रहने का, और इसी थीम के साथ आज हम लोगों ने इस चीज़ को, नया ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए आज ये स्टार्ट किया है। मेरा नाम प्रियेश, ब्लड फाउंडर, ब्लड बक्सर, ब्यूटीफुल लाइफ ओनली ऑन डोनेटिंग ब्लड। मौके पर मौजूद ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन सुजीत कुमार ने बताया कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है, कम से कम 3 बार तो वह निश्चित रूप से रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती, बल्कि ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों से निजात मिलती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आपके खुद पर्सनल हाइजीन पर भी, आपके हेल्थ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं आगे चल के, आपको बीपी, शुगर चाहे कोलेस्ट्रॉल संबंधी जो भी बीमारियाँ हैं वो तो हो नहीं सकती है। कुछ लोग कहते हैं भ्रांतियाँ हैं, बहुत तरह अगर खून दिया आपने तो आप बीमार पड़ने लगेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मतलब एक भ्रांति ही है। ब्लड डोनेशन करने से आपको स्वयं में एक अच्छा फील होगा और आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने समाज के लिए, किसी के लिए जान बचाया, और खुद सेटिस्फेक्शन मिलती है। कोई शारीरिक कमजोरी नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक मिथ है और इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हमारे वॉलंटियर्स हैं जो आगे आके ब्लड देते हैं और उससे ब्लड बैंक को इसमें काफ़ी सहयोग मिलता है। एक साल में कितनी बार? एक बार में कम से कम 3 बार तो जरूर ब्लड दे सकते हैं, कुछ लोग 4 बार भी दे सकते हैं जो स्वस्थ हैं, लेकिन 3 बार तो अवश्य वो दे सकते हैं। बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, लैब टेक्नीशियन, ब्लड बैंक, सदर हॉस्पिटल। नियमित रक्तदाता रविशंकर शर्मा ने बताया कि मेरा नाम रविशंकर शर्मा हुआ और मैं साल में 4 बार ब्लड डोनेट करता हूँ, और ब्लड देने से मुझे काफ़ी खुशी भी मिलती है और मेरे शरीर में बहुत सारी एनर्जी आती है। ऐसा लगता है मैं बिल्कुल नया की तरह फील कर रहा हूँ। तो ब्लड देने से शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी भी आती है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस जितनी भी छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं 15 से 20 तरह का, वो सारी बीमारियाँ भी दूर होती हैं, क्योंकि ब्लड निकलने के बाद जो नया ब्लड बनता है उसकी एनर्जी और उसकी ताकत बिल्कुल अलग होती है, उसका फीलिंग बिल्कुल अलग होता है। तो नए एनर्जी के साथ शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं आती हैं और अपने आप में बहुत अच्छा फीलिंग महसूस करता हूँ। रेड क्रॉस के प्रदेश प्रभारी सचिन राय ने बताया कि रक्तदान किया आज आपने, पहले रक्तदान किया क्या? नहीं, पहले भी मैंने 7-8 बार रक्तदान किया है। सबसे पहले ब्यूटीफुल लाइफ ओनली ऑन डोनेशन संस्था को धन्यवाद जो ऐसे महादान का कार्यक्रम कर रही है।
पुरुष भी कर रही है और आगे भी फिर 23 नवंबर को इनका अगला कैंप है। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ अवसर पर रक्तदान का शिविर लगाते हैं, ये परंपरा मतलब कितनी अच्छी है समाज की? ये समाज के लिए बहुत बड़ी परंपरा अच्छी है। आप अपने जन्मदिन पर, अपने मैरिज डे पर या किसी विशेष अवसर पर अगर ब्लड डोनेट करते हैं, इससे बड़ा मन कोई भी आपके लिए शुभ कार्य में महादान नहीं होगा। आपने रक्तदान किया, कमजोरी महसूस कर रहे? नहीं, किसी पर कोई कमजोरी नहीं है। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया, साथ ही जिन लोगों ने सहयोग किया उन्हें भी सम्मान दिया गया और यह कहा गया कि वह समाज में सकारात्मकता फैलाते रहें।